मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं। मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे तड़प रहे हैं। हर कीमत पर एसटी एससी ओबीसी की एकजुटता तोड़ना चाहती है, इसलिए वो एसटी की जातियों को आपस में लड़ा रही है, एससी ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ा रही है। ये जातियां लड़ेगी तो कमजोर होगी, और जितनी ज्यादा जातियां कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर एसटी एससी ओबीसी की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूं, आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस प्रकार से अघाड़ी के लोग कारनामे कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के साझादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है, और वो है, एक है तो सेफ है।